शहर में गड्ढा है या गड्ढे में शहर, ये बात हमें आज तक भी नहीं पता चली। ओए, बुड्ढी बुला मुझे चलेगा, पर भूल से भी कभी आंटी मत बुलाना। ओके आंटी। अंदर से लोगों की अजीब अजीब आवाजें भी आने लगी थी। अरे मेरे पति कहीं गिर गए, झूला रोको रे। अरे चोर चोर, मेरे पैसे तो दे के जाओ। दोस्तों आज हम आके पहुंच गए हैं डिज्नीलैंड अमेरिका में। वेट, अबे अमेरिका में इंडिया के ऑटो कब से चलने लगे बे साले, उल्लू बना रहा। दोस्तों आज हम आके पहुंच गए हैं डिज्नीलैंड राउरकेला में, जो हाल ही में सेक्टर 13 के मैदान में ओपन हुआ है। भाई देखो, वो बड़ा सा झूला दिख रहा है ना, उसके ऊपर ले जाके मैं वहाँ से तुझे धक्का दे दूंगी आज। हाँ बेटी, पहले तो ढंग से चलना तो सीख ले। अंदर घुसते ही अपनी भुक्कड़ बहन गाय भैंस की तरह चरना स्टार्ट कर देती है। अबे डिज्नीलैंड, क्या तू ये झालमुड़ी खाने के लिए आई है? अबे चल रो मत, ये ले खा। Hey! चल बे, मैं तेरी तरह भुक्कड़ नहीं हूँ। तो भाड़ में जा। okay. भैया मैं इसमें कूदूं? नहीं। क्यों? पापा बोले हैं किसी बुड्ढी को मत घुसा देना अंदर। ओए मैं क्या तुम्हें बुड्ढी लग रही हूँ? हाँ। अरे बस एक बार कूदने दे देना। अरे इधर से ये स्प्रिंग टूट जाएगा आंटी। ओए बुड्ढी बुला मुझे चलेगा, पर भूल से भी कभी आंटी मत बुलाना। ओके आंटी। अरे ड्रैगन भाई, ऐसे भाग क्यों रहे हो? अरे आपके पिछवाड़े से स्पार्क निकल रहा है। झोपड़ी के अब पता चला क्यों भाग रहा हूँ मैं। बहुत प्यास लग रही है यार। दोस्तों ये राम झूला देख रहे हो? बचपन में एक बार बैठा था और उधर ही टट्टी कर दी थी मैंने। उसके बाद से ये झूला वालों ने मुझे लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया है। कितनी बार बोला गया है कि चलती ट्रेन से ना उतरा करे, पर हम लोग नहीं सुधरेंगे। जब इन बच्चों को टॉय ट्रेन में आनंद लेते हुए देखा तो हमारे बहन के अंदर का बच्चा भी जाग गया और ट्रेन में बैठने की जिद करने लग गई। भैया मुझे भी बैठना है। अरे मैडम उधर बड़े लोगों के झूले लगे हैं। पर मुझे तो ये पसंद आया, मैं इसी में बैठने वाली हूँ। भैया बस एक राउंड प्लीज। अरे मैडम वो ट्रैक टूट जाएगा, देखो ना कितना कमजोर है। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी बहन को सफलता नहीं मिली। यह दुनिया बहुत बुरी है यार। बहन को ऐसे रोता देख ऑपरेटर का हृदय परिवर्तन हो जाता है और उन्होंने बहन को ट्रेन में बैठने की अनुमति दे दी। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, बहन का वजन ट्रेन झेल नहीं पाई तो इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ। अरे मैडम उतर जाओ प्लीज, इंजन बंद पड़ गया यार। भैया दो मिनट बस। अरे मैडम उतरते हो के पुलिस बुलाऊं? घरवाली बेइज्जती। अरे कोई तो पानी पिला दो यार, मिनरल वाटर ही सही। दोस्तों जिनको भी कब्ज की बीमारी है ना, वो इस झूले का आनंद जरूर ले। इतनी फटती है कि बीमारी का बाप भी निकल जाती है। देखो कितने मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं। लड़कियों को आकर्षित करने के लिए हर मेले में आपको एक बंदा ऐसा स्टंट करता हुआ जरूर नजर आएगा। हाय, हर कोई मुझे ही देख रहा है, इतनी क्यूट जंग। ये देखो सिंग भी निकल आए। इसकी बातों पे यकीन मत करो दोस्तों, कोई घूर नहीं रहा इसको। इवन एक कुत्ता भी अभी सामने से इग्नोर मार के गया। शहर में गड्ढा है या गड्ढे में शहर, ये बात हमें आज तक भी नहीं पता चली। आज ये डिज्नी वर्ल्ड मेला लगा है, इसमें भी लोग गिर रहे हैं। अभी आपने सीधा उदाहरण देखा कि किस तरीके से ये व्लॉगर महिला गिरते गिरते बची। तो प्रशासन से यही मैं कहना चाहूंगा, यही गुहार लगाना चाहूंगा कि ऐसे गड्ढे, इतना गुहार मत लगाओ मेरे भाई, किसी दिन नसें फट जाएंगी तुम्हारी। अरे भाई ये लड़की तो हर सुबह शाम गिरती रहती है, तो क्या हर बार वीडियो बनाओगे? जिन्हें पता नहीं बता दूं कि ये जो नौजवान आपके स्क्रीन में दिख रहे हैं, ये TITN राउरकेला के करता धरता मिस्टर शुभम सिंह है, जिनकी रिपोर्टिंग स्टाइल का पूरा शहर दीवाना है। और लकीली वो आज हमारे इस ब्लॉग का भी हिस्सा बनने वाले हैं। इन्हें देख आपको लग रहा होगा कि दोनों के बीच कुछ ज्ञान विज्ञान की बातें हो रही होंगी। ओए शुभम चल इस झूले में बैठते हैं, ये मस्त गिर 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 करके घूमेगा। भैया दो टिकट देना। ओके चल शुभम, पैसे भर दो। क्या मैडम? अरे मैं नहीं चाहती लोग बोले कि मीडिया वाले ने एक लड़की का पैसा खाया है, वरना मैं भर देती रहे। Nice. चलो मेरा काम हो गया। फिर दोनों झूले में बैठ जाते हैं, पर झूला तो चलने का नाम ही नहीं ले रहा। इस बीच हमारी नजर इस बंदे के ऊपर पड़ी जो नॉनस्टॉप कुछ मिटा रहा था, बाद में पता चला किसी ने विमल खा के थूका है। बोलो जुबा केसरी। फिर हमारी नजर इन हैंडसम लौंडो के ऊपर पड़ी, जो एक जगह खड़े होके लोगों को टुक टुक करके देख रहे थे। बाद में पता चला इन्हें ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वहाँ खड़ा कराया गया था। okay. पर इनके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि मानो ये लोगों को उल्टा मना कर रहे हो झूले में बैठने के लिए। झूले से नीचे गिरोगे तो हमारी गारंटी नहीं है, देख लो। Nice. भाई मैं चला झूले का स्क्रू ढीला करने, ये भाई स्पैनर लेके आ, 40 लोगों को नीचे गिराना है आज। फिर अचानक झूला चल पड़ता है, जैसे ही अपनी पूरी रफ्तार ले लेता है हमारी बहन को नानी याद आ जाती है। भैया रोको, अरे रोको रे भाई, 100-200 ले ले पर रोक दे रे। कौन कहाँ किधर जा रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस बीच किसी ने अंदर उल्टी ही कर दी। अंदर से लोगों की अजीब अजीब आवाजें भी आने लगी थी। अरे मेरे पति कहीं गिर गए, झूला रोको रे।
अरे मेरी बीवी अभी तक नहीं गिरी है, झूला मत रोकना। इतने सारे हादसे होने के बाद फाइनली झूला ऑपरेटर को सेटिस्फेक्शन मिलता है और वो झूला रोक देता है। मेरी बहन की इस बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा था कि उसको बहुत बड़ा सदमा लगा है। पानी पानी, मुझे इसमें बैठना है। छोड़ी बच्ची हो क्या, समझ में नहीं आता, कोई मेरी बात नहीं सुनता। अरे चलो यार उधर बैठते हैं। अचानक पीछे से आवाज आती है, कौन है बे हमारा सोफा गंदा कर रहा है, खरीदना तो है नहीं, आके टाइम पास करते हैं। अभी तक पानी नहीं मिला मुझे गाइस। अरे कहाँ, अरे चल तो भाई सही। कहाँ 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 कहाँ, मेरे को ये चाहिए। लगा दे भाई। ये लीजिए सर पैसे निकालिए। चल शुभम पैसे भर दो। पैसे मैंने दिया था ना झूला के लिए। मेरे पास भी कुछ भी नहीं है यार। मेरे पास भी नहीं है, मैंने दे दिया वहाँ पे पैसा सारा, मैं वहीं पे दे दिया था, मैं और कुछ नहीं दे रहा। फिर तो एक ही ऑप्शन बचता है अपने पास। अरे इधर भाग। अरे चोर चोर मेरे पैसे तो दे के जाओ। यार मैं देश के लिए कुछ करके मरना चाहता हूँ, इस तरह प्यास से तड़प तड़प के मरना नहीं है मुझे। Okay. फिर हमारी नजर एक इंसानों की झुंड पे पड़ी जो बड़ी ध्यान से कुछ देख रहे थे। पास जाके देखा तो पता चला यहाँ तो कुछ तोड़ फोड़ चल रही थी। गाइस फाइनली, ओलाला थोड़ा नमक नमक लग रहा है टेस्ट, बट चलेगा। ओके Okay. अरे मेरे बेटे ने यहाँ पानी के बोतल में सुसु किया था, किसने लिया बे? मिस्टर शुभम सिंह फ्रॉम TITN राउरकेला, जो कि हमेशा दबंगाई इंटरव्यू लेते हैं लोगों के, दबंग चीजें करते हैं पूरे शहर में, जिसके वजह से वो जाने जाते हैं। हमने सोचा कि क्यों ना इनको आज एक अलग रूप में आपको दिखाया जाए, तो ब्लॉगिंग के मकसद से हमने इनको आज इनवाइट किया था। और मैं डायरेक्ट शुभम से पूछूंगा कि उनको अलग अपने थीम से हटके कुछ करने में कैसा फील हो रहा है। सबसे पहले सिडेदास चैनल को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मेरे बिजी शेड्यूल से वो जो रिपोर्टर वाले लाइफ है उससे निकाल के मुझे ये जो मैं पहले जैसे घूमा करता था बचपन में, जैसे झूलों में बैठा करता था, वो वाले लाइफ में मुझे वापस से दोबारा लाने के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और ये वीडियो हम दोनों के चैनल में आप लोग को देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक का बटन तो दबा दो। अरे ये बहन हमारी कहाँ रह गई यार। तो देखा आप लोगों ने कैसे एक महिला वापस से गिरी, इसका मतलब गड्ढे हमारे शहर में बहुत ज्यादा हो गए। तो सावधान रहे, सतर्क रहे और देखते रहे हम दोनों के चैनल को।